नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। अब बिहार बोर्ड का तो ऑफिशियल आंसर की आ गया है ऑब्जेक्टिव का, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्शन कैसे करना है। मान लीजिए कि आपने 50 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, ठीक है, और आपको कन्फर्म है कि मेरा 45 सही है, लेकिन बिहार बोर्ड का आंसर की में कुछ गलत हो जाने की वजह से आपका 40 या 38 नंबर ऐसे आ रहा है, तो आपको कैसे ऑब्जेक्शन करना है अपना नंबर सुधरवाने के लिए, इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। देखिए, बिहार बोर्ड की माने तो विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए आंसर की के संबंध में यदि भी किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वो 2 से 5 मार्च तक वेबसाइट पर जाकर, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2 से 5 मार्च तक वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर ऑब्जेक्शन रिकॉर्डिंग आंसर लिंक पर क्लिक कर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यानी आज आपका आखिरी डेट है। आंसर की देखने के लिए छात्रों की वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर पर रोल कोड अंकित करना होगा। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग आज आखिरी डेट है, जल्दी से अपना कर लें। इसके बाद आंसर की पर आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति मिलने के बाद अंतिम रूप से आंसर की जारी की जाएगी। 5 मार्च के बाद आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, तो अभी ही करना है आपको। इंटर मूल्यांकन के पहले दिन शिक्षक अपना योगदान देने में लग रहे हैं। कुल 173 केंद्रों में पटना में 9 केंद्र बनाए गए हैं। सभी जगह कंप्यूटर भी लगे हैं। पटना जिले की बात करें तो कुल 24 कंप्यूटर लगाए गए हैं। पटना डीयू की माने तो मूल्यांकन के पहले दिन कई केंद्रों पर कॉपी नहीं पहुंच पाई थी, कई जगहों पर मूल्यांकन शुरू नहीं हो सका। मूल्यांकन 15 मार्च तक करना है। इस बार अंकों को कंप्यूटर पर फिट किया जाएगा। बिहार बोर्ड की तरफ से मूल्यांकन पे इस बार काफ़ी जोर है। डीओई ज्योति ने बताया कि स्कूल के कंप्यूटर का भी इस्तेमाल होगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि आप जल्दी से ऑब्जेक्शन कर लें, क्योंकि आपका डेट जो है वो 5 मार्च तक है और 5 मार्च के बाद आपका ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जितने भी आपके फ्रेंड हैं जल्दी से उन्हें शेयर कर दें कैसे आपको करना है, ठीक है, मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको गूगल पे आना है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किसी साइबर कैफ़े में जा सकते हैं, जहाँ से आप फॉर्म वगैरह भरते हैं। तो वहाँ देखिए, अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो यहाँ से आपका बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, मैंने क्लिक कर लिया। देखिए प्रोसेस हो रहा है, ये आपका खुलने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऑफिशियल साइट पर जाना है। देखिए ये है आपका ऑफिशियल साइट, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ऑफिशियल साइट खुल जाएगा। ये आपका ऑफिशियल साइट खुल गया है और यहाँ पर देख रहे हैं रजिस्टर ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग आंसर की, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है। जल्दी से वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए, क्योंकि आज आपका आखिरी डेट है। डेट निकल जाएगा तो आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करके अपना आंसर की मिला लेना, उसके बाद जल्दी से आज ही चेक करना है और आज ही आपको ऑब्जेक्शन करना है। तो जल्दी से आप लोग ऑब्जेक्शन करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। कैसे करना है मैंने पूरा डिटेल बता दिया है। जब उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको रोल नंबर वगैरह फिल करने को बोला जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में।